मेरा नाम राजकुमार है और मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के पद पर कार्यरत हूँ। अररिया जिले में जो बीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की अनुशंसा प्राप्त हुई है उसकी संख्या जैसे कक्षा 1 से 5 में अभी तक 1642 विद्यालय अध्यापकों ने नामांकन सही करा ली है। कक्षा 9 से 10 में 698 अभ्यर्थियों ने यहां काउंसलिंग कराई है। कक्षा 11 से 12 में 483 विद्यालय अध्यापकों ने अभी तक काउंसलिंग कराई है। इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 2825 लोगों ने यहां पे काउंसलिंग करा ली है और कुछ छुटे हुए लोग आज भी काउंसलिंग करा रहे हैं। 31 तारीख तक यह व्यवस्था अभी जारी रहेगी। ये एक बहुत ही बड़ा उद्यम है कि इतने कम समय में बीपीएससी के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर और पूरी सतर्कता के साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की अनुशंसाएं की गई हैं विद्यालय अध्यापक पद के लिए। इसमें राज्य के अन्य जिलों से तो लोग हमारे यहां आए ही हैं, राज्य के बाहर से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बिहार में आकर्षित होकर के विद्यालय अध्यापक बनने के लिए आए हैं चयन होकर के। इनमें उत्तर प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, पंजाब के भी अभ्यर्थी हैं। कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 में क्योंकि एसटीसी आधारित यह परीक्षा रही है तो इसमें तो अधिकांश पूरी तरह से बिहार के लोग हैं, लेकिन कक्षा 1 से 5 में ज्यादातर राज्य से बाहर के लोगों की भी नियुक्ति हुई है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं राज्य के बाहर के। तकनीक का इसमें इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जैसे जो लोग भी अनुशंसित हुए हैं उनका पूरा डेटा बीपीएससी से विभाग को प्राप्त हुआ है और एक पोर्टल के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन ही इन लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं। उनकी बायोमेट्रिक पहचान पहले की जा रही है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी है। ये पहचान स्थापित होने के बाद उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवास, जाति आदि के प्रमाण पत्र की मूल प्रति देखी जाती है। तो इसके लिए जिले में 18 तारीख से ये काउंसलिंग की शुरुआत की गई थी। अररिया जिले में 2 केंद्र बनाए गए थे, एक डीआरसीसी अररिया में जहां 12 काउंटर पे काम चल रहा था और उच्च विद्यालय अररिया में जहां 13 काउंटर पे काम चल रहा था। बहुत काफी भीड़ थी अध्यापकों की, लेकिन इस तकनीक के सहारे हम लोगों ने 25 तारीख तक ही 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों की सफलतापूर्वक काउंसलिंग कर ली और उनके प्रमाण पत्रों की जो बीपीएससी भी उन्होंने अपलोड किया था उन सब की समीक्षा कर ली और उनकी अभी प्रमाणित प्रतियां भी प्राप्त कर ली और उनको एक काउंसलिंग पत्र जो विभाग के द्वारा डिजाइन किया गया था बारकोड सहित फोटो सहित वो उन्हें प्रदान कर दिया गया। वर्तमान में इन विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों में से 600 लोग डायट जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान फारबिसगंज है वहां पे इंडक्शन ट्रेनिंग ले रहे हैं और शेष सभी विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जो है वो विद्यालयों से टैग किए गए हैं वहां उनका ओरिएंटेशन चल रहा है। इस बीच जो नियोजित शिक्षक थे पहले से और बीपीएससी क्वालिफाई कर गए उनको उनके मूल विद्यालय में भी नहीं रखा गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। नई तकनीक के माध्यम से यह कार्य और अच्छे ढंग से हो पाया है और आज 30 तारीख है, हम लोग 2 तारीख को इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को जिला में जिला पदाधिकारी अन्य वरीय पदाधिकारीगण और जिले के प्रभारी मंत्री के माध्यम से यहां पे इन लोगों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं जिसकी तैयारी लगातार चल रही है। और यह भी तकनीक आधारित है क्योंकि नियुक्ति पत्र जो है वो मैन्युअली नहीं और हाथ से नहीं बन रहा है बल्कि ये भी एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड है और बाद में जब इनके विद्यालय भी हम टैग आवंटित करेंगे तो वो भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन होगा, कंप्यूटर ड्रिवन होगा जिसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी कि किस शिक्षक को कौन सा विद्यालय मिलेगा, ये किसी व्यक्ति के चाहने या न चाहने पर निर्भर नहीं रहेगा। इस प्रकार ये एक फुलप्रूफ व्यवस्था है और विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़े स्तर पे शिक्षकों की आपूर्ति हो पाएगी विद्यालयों में और इससे बिहार के शैक्षणिक वातावरण पर बहुत ही प्रभावकारी असर होने वाला है।